मंत्री पशुपति पारस ने बिहार की महागठबंधन सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सरकार गिर जाएगी। पशुपति पारस के इन दावों का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। समाधान यात्रा के दौरान जब उनसे इस बारे में पूछा गया तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पशुपति पारस खुशी मनाए, इन सब बातों पर हम ध्यान नहीं देते और न ही नोटिस लेते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय एलजेपी के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बिहार सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पिछले 5 महीने में बिहार सरकार में 3 विकेट गिर गए हैं। ऐसी हालात हो गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सरकार भी गिर जाएगी। पशुपति पारस ने यह भी कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। महागठबंधन में प्रधानमंत्री के 2 दावेदार हैं, पहला नीतीश कुमार और दूसरा राहुल गांधी। ना तो एक मयान में 2 तलवार रहता है, ना ही एक जंगल में 2 शेर ही रहता है। अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को यह फैसला लेना है कि वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी को। बता दें कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। हाल यह है कि 5 महीने में 3 विकेट डाउन हो गया है, लेकिन एक भी रन नहीं बन पाया है। ऐसी हालात है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सरकार गिर जाएगी। पशुपति पारस के इस बयान का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पशुपति पारस खुशी मनाइए, इन सब बातों पर हम ध्यान नहीं देते और ना ही इन सब बातों की नोटिस लेते हैं। अपने स्टडी को दीक्षांत के साथ बनाइए स्मार्ट और बेहद आसान। दीक्षांत एडुटेक 18 फरवरी 2023 से ला रहा है दीक्षांत लर्निंग ऐप। दीक्षांत लर्निंग ऐप के माध्यम से नर्सरी से 12 तक मिलेंगे टॉपिक वाइज इंटरैक्टिव वीडियो, बोर्ड वर्क, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट और आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट। साथ ही आपको मिलेंगे फ्री डेमो क्लासेज। रजिस्टर करने के लिए विजिट कीजिए www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।